तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर एफ दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन। बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 25 ग्राम ऑफ CaCO3 हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, कितना लिया 25 ग्राम्स लिया। अब उसको हमने क्या किया, डिकम्पोज किया। यहां पर कौन सी रिएक्शन हुई है, तो यहां पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई है। द अमाउंट ऑफ CO कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस विल बी, तो वो कितना होता है यह हमको पूछा है। तो सबसे पहले बच्चों हम एक रफ रिएक्शन लिख देते हैं। तो यहां पर CaCO3 को डिकम्पोज करके हमें क्या मिल रहा है, CaO मिल रहा है। अब यहां पर देखो बच्चों, कैल्शियम का जो एटॉमिक मास कितना है 40, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। अब यहां पर ऑक्सीजन के कितने एटम है 3, तो 16 × 3 कितने हो जाएंगे 48। टोटल कितना आता है बच्चों, तो टोटल आता है आपका 100। ठीक है, अब इसको भी कर लेते हैं CaO को। तो CaO का एटॉमिक मास कितना है 40 और ऑक्सीजन कितना है 16 यानी 56। तो हम ऐसा कह सकते हैं बच्चों कि अगर मैंने 100 ग्राम CaCO2 लिया तो मुझे 56 ग्राम CaO मिलता है, राइट। तो मुझे पूछा गया है कि अगर मैं 25 ग्राम CaCO3 लूं तो कितना ग्राम CaO मिलता है, तो मैं बोलता हूं एक्स ग्राम। अब बच्चों यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर यूनिटरी मेथड यूज कर लेता हूं। एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 56 × 25 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये कितना आता है 25 × 1 = 25, 25 × 4 = 100। अब ये करूंगा यहां पर 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 16, सॉरी 4 × 4 = 16। तो ये कितना आता है, ये आता है 14.0 ग्राम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन सही है। तो सी ऑप्शन के ऊपर टिक करो और आगे बढ़ जाओ। ठीक, पसंद आया वीडियो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।